नज़ारा है और ये इस समय मैं हर की पौड़ी क्षेत्र पर हूँ, देख सकते हैं आप। ऐसा कुछ नज़ारा है हर की पौड़ी क्षेत्र का। आइए चलते हैं महिला घाट की तरफ और देखते हैं कितने श्रद्धालु हैं आज। सामने महिला घाट है दोस्तों, देख सकते हैं आप महिला घाट का सुंदर दृश्य। ऐसा कुछ दृश्य है दोस्तों आज महिला घाट के आसपास का, देख सकते हैं आप। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर भी करिएगा ताकि वो लोग भी घर बैठे माँ गंगा जी के दर्शन कर सकें और खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकें। तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों और एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। ऐसा कुछ दृश्य है दोस्तों हर की पौड़ी क्षेत्र का, देख सकते हैं आप। ये ब्रह्मकुंड के पास का घाट है और सामने आप देख रहे हैं ये ब्रह्मकुंड है। ऐसा कुछ दृश्य है। आइए आगे चलते हैं ब्रह्मकुंड क्षेत्र की तरफ और देखते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है। ये आपने सामने देख रहे हैं ये ब्रह्मकुंड क्षेत्र है दोस्तों, देख सकते हैं आप। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ब्रह्मकुंड क्षेत्र का, आप दर्शन करें और ये माँ गंगा जी के दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूँ, हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे किसी भी प्रकार की कोई कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है और अगर कभी होता भी है दोस्तों तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो टेस्ट निशुल्क होता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन निशुल्क होता है। तो हरिद्वार गंगा स्नान करने से आने से घबराइए नहीं, आराम से आइए, कोविड टेस्ट ना के बराबर हो रहा है। और मैं जितने भी दिन गया रेलवे स्टेशन मैंने तो देखा नहीं, आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे कहीं भी टेस्ट नहीं हो रहा था। तो आप बिंदास होके आइए। आइए चलते हैं दोस्तों नाई घाट की ओर और देखते हैं नाई घाट के आज कुछ सुंदर सुंदर दृश्य। देख सकते हैं दोस्तों ये भगीरथ सेतु है सामने। और सामने आप जो देख रहे हैं ये नाई घाट है दोस्तों। ऐसा कुछ दृश्य है आज सुबह का हर की पौड़ी क्षेत्र में नाई घाट का, देख सकते हैं आप। ये माँ गंगा जी, माँ गंगा जी के दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें दोस्तों।
सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हर की पौड़ी क्षेत्र है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं बहुत सारे, देख सकते हैं आप, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। और ये मेन हर की पौड़ी का मेन द्वार है, देख सकते हैं आप। ये मेन द्वार है दोस्तों हर की पौड़ी क्षेत्र का। यहाँ से आप अंदर जाकर और ब्रह्मकुंड क्षेत्र पर जा सकते हैं दोस्तों, और स्नान कर सकते हैं। अधिकतर लोग यहीं पर ही स्नान करते हैं और गंगा जल यहीं से ही लेते हैं आप। ये मोहनपुरी वाला, ये ई रिक्शा यहाँ से आपको मिल जाता है बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जाने के लिए। और अगर आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आते हैं तो आपको ई रिक्शा यहाँ पर छोड़ता है, और यहाँ से आप पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे जाकर आप हर की पौड़ी क्षेत्र में माँ गंगा जी के स्नान कर सकते हैं। और ये सामने जो रोड जा रहा है दोस्तों, ये भारत माता मंदिर भीमगोड़ा होते हुए आप ऋषिकेश भी जा सकते हैं, और बाकी जितने आगे मंदिर हैं सप्तऋषि आश्रम, भारत माता मंदिर, भीमगोड़ा, उनके दर्शन कर सकते हैं आप। ये मोहनजीपुरी वाला दोस्तों, और मैं इस समय बड़ा बाजार की तरफ चल रहा हूँ। दोनों तरफ छोटे बड़े बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है दोस्तों। ये यहाँ पर ये चोटी वाला रेस्टोरेंट है सामने। कचौरी का भी मजा ले सकते हैं आप हर की पौड़ी स्नान करने के बाद। ये बड़ा बाजार है दोस्तों, ये बड़ा बाजार मार्केट है दोस्तों हर की पौड़ी क्षेत्र के पास का। अभी कुछ दुकानें बंद हैं, 10 बजे के करीब लगभग सारी दुकानें खुल जाती हैं, ऐसा है कुछ मार्केट। बड़ा बाजार से थोड़ा ही आगे चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक ये टी पॉइंट है, लेफ्ट साइड में अगर आप जाते हैं तो सुभाष घाट होते हुए हर की पौड़ी जा सकते हैं। और ये जस्ट यहाँ से जो ये गली जा रही है ये कुशावत घाट को जाती है, और हमें इस साइड नहीं, इस साइड राइट साइड में जाना है। और थोड़ा ही आगे चलने पे दोस्तों यहाँ पर आप ये देखेंगे मनसा देवी मुख्य मार्ग बोर्ड लगा हुआ है, बहुत ही पतली सी गली है। इस गली को जैसे ही क्रॉस करते हैं दोस्तों सामने ये कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी हैं और आप हरिद्वार अपर रोड पर आ जाएंगे। इन सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर चढ़ के आओगे दोस्तों आप ये हरिद्वार अपर मार्केट पर आ जाएंगे। सामने अगर आप जाते हैं तो हर की पौड़ी क्षेत्र है, और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये माँ मनसा देवी पैदल मार्ग है, देख सकते हैं आप सीढ़ियों वाला। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
मेरे इस चैनल पर दोस्तों उत्तराखंड के जो पर्यटन स्थल हैं उनकी जानकारी इसी प्रकार दी जाती है। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को भी क्लिक करिएगा ताकि मेरा नया आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सके। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।